नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज से पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो निकाली बनाई थी, जिसमें था कि 94% के लिए मैनुअल किट, और बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि वो किट कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, उसके लिए मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे मिलेगी। वैसे आप चाहे तो कानपुर से डायरेक्ट ले सकते हैं, अन्यथा कुरियर से लेना होगा तो मैं आपको कुरियर कर सकता हूं, लेकिन कुरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा और लगभग 180 रुपया उसका मूल्य है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं कि उसमें क्या आपको करना है, और इस पर मैं वीडियो बना भी चुका हूं और बना भी दूंगा कि आपको कैसे वो किट इस्तेमाल करनी है। तो चलिए, सबसे पहले आज हम बताते हैं कि जो साक्षी की प्रोग्रामिंग आईसी की इन्वर्टर स्टेबलाइजर की जो किट है, और ये जो मैनुअल है, क्योंकि इसमें आपको मैनुअली सेट करना होता है 1x1 करके। तो चलिए मैं बताता हूँ कि दोनों में क्या अंतर है और क्या फर्क है। तो सबसे बड़ी बात है कि दोनों में क्या फर्क है, आज मैं फर्क बताने जा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि दोनों के किट में रेट काफ़ी ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का रेट सेम टू सेम ही मान लिया जाए। कैसे मान लिया जाए, क्योंकि अगर 94% ये किट इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों किट दिखाता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ, और साथ में ये दिखाऊंगा कि कैसे आप दोनों किट में क्या डिमेरिट और क्या खूबी है, दोनों के मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है जो वो किट जो मैंने मैनुअली आपको बताया था, कि और ये है आपकी 7 स्टेप जो साक्षी की प्रोग्रामिंग किट है। दोनों साक्षी कंपनी की है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। सबसे बड़ी बात कि दोनों में इंडिकेशन का अंतर है। अगर आप देख सकते हैं कि दोनों 7x7 स्टेप है, लेकिन इसमें 1 प्रीसेट होती है, जबकि इसमें आपको 6 प्रीसेट है। तो चलिए अब मैं इनको ओपन करता हूं और आपको बताता हूं कि दोनों में क्या क्या अंतर है और क्या डिमेरिट और क्या खूबी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो 7 स्टेप वाली है, जो आप पूछ रहे थे कि ये किट कहां मिलेगी, तो दोस्तों ये किट कानपुर की किट है, और ये आप देख सकते हैं कि ये किट दोनों कानपुर और दिल्ली में उपलब्ध है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रीसेट है, और जबकि इसमें ट्रांजिस्टर 6 लगा है, लेकिन जबकि आपकी यूज की गई है 5 ही यूज की गई है। इसमें डायबोर्ड काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं और प्रीसेट अच्छी क्वालिटी का है। दोस्तों ये असेंबली किट है, ये किट लगभग आपको रिपेयर नहीं हो पाएगी, यही सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद हम ये चलते हैं, आपको ये जो आप देख सकते हैं कि ये 7 स्टेप डिजिटल किट, इस पर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाया है, और ये देख सकते हैं कि इसमें आपको डायग्राम इत्यादि सब कुछ इसमें मौजूद है। इसमें भी आपको डायग्राम मिल जाएंगे, लेकिन दोनों का डायग्राम सेम टू सेम है। और ये देख सकते हैं कि इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 जो है ट्रांजिस्टर है, इसमें डायबोर्ड काफ़ी छोटे लगे हुए हैं, और इसमें जो है एक प्रोग्रामिंग आईसी है, जबकि इसमें 2 प्रीसेट टाइमर और इसके लिए प्रीसेट है, जबकि इसमें भी टाइमर के लिए प्रीसेट है, और सब कुछ सेम टू सेम है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इंडिकेशन, यानी कि हाई कट, लो कट और टाइमर की इंडिकेशन के लिए इसमें अलग से कनेक्शन दी गई है, इससे आप इंडिकेशन कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें 1 प्रीसेट है, क्योंकि इसमें अलग से कोई ट्रिगर, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि नहीं लगते हैं, इसलिए इसका फेल होने का चांसेस काफ़ी कम है। और लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसको यूज करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें किट काफ़ी मात्रा में ख़राब होती है, और रिले काफ़ी ख़राब होती है, लगभग 1 ईयर या 2 ईयर होते होते रिले ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब आपकी इसमें करंट दी जाएगी तो 90 वाली वोल्ट पर जो आती है वो काफ़ी ज़्यादा झटके देती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग है तो इसकी स्विचिंग थोड़ी स्लो होती है, जबकि इसमें आपको अगर अलग से ट्रिगर लगाई जाती है तो जिससे कि इसकी स्विचिंग काफ़ी फास्ट होती है, जिससे कि आपको इनपुट रिले पर झटके कम पड़ते हैं और रिले कम ख़राब होने की संभावना है। इस पर मैंने, इस डिजाइनिंग पर असेंबली नहीं थी, लेकिन हूबहू इसी डिजाइनिंग पर मैंने काफ़ी स्टेबलाइजर बनाए हुए हैं, और वो स्टेबलाइजर जो है काफ़ी लंबे अवसर तक काम कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल सही
सिर्फ इसमें यह है कि ये प्रीसेट जो है उसमें नॉर्मल प्रीसेट लगे रहते थे और प्रीसेट फेल हो जाती थी, जबकि इसमें ये जो अच्छी कंपनी की प्रीसेट लगाई हुई है ये प्रीसेट बहुत कम ही फेल होती है। इसलिए ये किट काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें अच्छी बात यह है कि ये किसी भी डाटा में किसी भी टर्निंग में ये आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको आपको मैनुअली सेट करना है, जबकि आपको इसकी जो है इसकी हूबहू यही डाटा होनी चाहिए। डाटा अंतर होने पर आपकी ये सेटिंग स्विचिंग सही नहीं करेगी और इसमें खटपट इत्यादि की आवाज़ ज़्यादा आती है, जबकि इसमें ये सब प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों में लगभग रेट देखा जाए तो 180 रुपये की ये लगाइएगा और 2018 ट्रांसफार्मर लगाइएगा तो लगभग 280 रुपये के आसपास की ये ट्रांसफार्मर किट पड़ जाएगी, जबकि ये किट भी लगभग 250 रुपये की है। तो दोनों में कोई ख़ास अंतर नहीं है, बशर्ते ये कि इसमें आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और जब लाइफ अच्छी हो जाएगी तो आपको कंप्लेन नहीं मिलेंगे, और कंप्लेन नहीं मिलेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि आपको काफ़ी आपके सेल इत्यादि पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि ये किट कहाँ मिलेंगी, तो दोस्तों ये किट मेरे पास उपलब्ध है, आप चाहें तो आपको मिल सकती है, लेकिन दोस्तों इसकी आपको 180 रुपये रेट है और इसकी जो कुरियर चार्ज है आपको अलग से देनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहें तो मुझसे भी ले सकते हैं, अन्यथा आप इसकी जो प्राइस है वो मैंने आपको बता दी। हाँ, हो सकता है कि दिल्ली और कानपुर में थोड़ी सी और सस्ती मिले, तो आप अन्यथा किसी और से मत ले, कोई 250 कोई 250, मेरे कमेंट में मैंने देखा है लोगों का, तो आप उनसे न ले। आप ऐसे कोशिश करें कि कोई अगर दिल्ली या कानपुर जाता है तो डायरेक्ट उनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इतना ही, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखकर किसी से ठगे ना जाएं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर आप अपना संपर्क हमसे कर सकते हैं। हमारे वीडियो के नीचे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, आप उन पर ज्वाइन हो लीजिए, हमसे बातें कीजिए, और हमारे ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज वाले, उनसे भी बातें कीजिए। अपनी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, उन्हें लिखें, कोई ना कोई इसे सॉल्व ज़रूर करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कहिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।